नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। जैसा आपको पता है कि ये आठवां वीडियो हमारा है और ये बहुपद प्रश्नावली 2.3 का है और इसी चैप्टर का यानी इसी प्रश्नावली का ये पार्ट टू है। कुछ सवाल हमने पहले वाले वीडियो में सॉल्व किए हैं जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आसानी से आप देख सकते हैं। या तो आप यूपी बोर्ड क्लास 10th की हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ आपको सारे चैप्टर 1 चैप्टर 2 सभी के वीडियोस आसानी से उपलब्ध हैं। आइए शुरू करते हैं जल्दी से आज का वीडियो, आज के सवाल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करें और जांच करें कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अब इसका मतलब समझ लेना है। देखिए इसमें जो टी स्क्वायर, देखिए इसमें टी स्क्वायर माइनस थ्री ये हमारा पहला बहुपद है। इसी में जो नीचे दिया गया है आपको, देखिए टी स्क्वायर, देखिए आप यहाँ पर जो आपको दूसरा बहुपद दिया गया है आप देख सकते हैं, तो इसमें जो पहला बहुपद आपका है वो ये है, ये फर्स्ट है। इसी तरीके से आपको जो दूसरा दिया गया है वो सेकेंड है। अब उसने कहा कि पहले से दूसरे को भाग देना है, यानी पहला यहाँ और दूसरा यहाँ रख के हमें भाग दे देना है। और उसने कहा कि गुणनखंड है कि नहीं, तो अगर शेषफल जो हमको मिले वो शून्य मिल जाए तो गुणनखंड है। अगर ये शून्य नहीं मिलता, शून्य नहीं आता है, तो ये गुणनखंड इसका नहीं होगा। ये प्रक्रिया यहाँ पर हमें अपनानी है, तो हमें भाग करके चेक करना है कि इसका गुणनखंड होगा कि नहीं होगा। यानी हम भाग करेंगे तो अगर हमें शून्य यानी जीरो मिलता है शेषफल तो इसका गुणनखंड होगा, अगर जीरो नहीं मिलता तो ये गुणनखंड इसका नहीं होगा। या हम इसको यूज़ करिए जो यूक्लिड की विभाजन प्रमेय है उसका भी हम यहाँ पर प्रयोग करके चेक कर सकते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो सबसे पहले सबसे आसान तरीका जो आपके पास है वो चेक करने का वही भाग विधि है। तो आइए चलते हैं, भाग करते हैं इसका कि क्या होगा इसमें। तो इस स्लाइड पर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए आपके पास जो है यहाँ हम सॉल्व करेंगे, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो यहाँ पर अब लिखेंगे हम टी स्क्वायर माइनस थ्री, ये आया आपके पास, और यहाँ है टू के पावर टू टी की पावर फोर प्लस थ्री टी की पावर थ्री माइनस टू टी की पावर टू माइनस नाइन टी की पावर टी माइनस ट्वेल्व। इधर हम भागफल इसका लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमें देखिए 2t की पावर 4 में लगाना है, तो यानी t की पावर 2 है यहाँ पर हमारे पास इस जगह पर, तो यहाँ हम 2 लिख देते हैं, यानी इस जगह पर जो हमको मिलेगा वो 2 की पावर t 2 की पावर 2 मिल जाएगा, 2t की पावर 2। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ मिलेगा हमको 2t की पावर 4। अब इसके बाद ये माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो जब माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा 6 और 2 की पावर आपको मिल जाएगा माइनस टी। तो यानी यहाँ पर आप इसकी जगह लिखिए, यहाँ मिलेगा आपको 6 टी की पावर 2। अब इस पूरे को सबट्रैक्ट करना होगा आपको, अब इसको पूरे को आप सबट्रैक्ट कर लीजिए, तो यहाँ चिन्ह पलट जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ भी ये प्लस का हो जाएगा। जैसे ही चिन्ह पलट जाएंगे आप देखिए ये चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ बचेगा आपको पास 3 टी के पावर 3 और यहाँ प्लस का है माइनस का है, तो आपको यहाँ पर मिलेगा प्लस का 4 टी की पावर 2 मिलेगा। यानी केवल अंक घटेंगे, पावर्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये आप ध्यान रखिए। फिर उसके बाद अगले जो अंक हैं आप सारे उतार लीजिए, 9 टी माइनस 12। अब यहाँ पर देखिए आपको 3t की पावर 3 को करना है, यहाँ पर 2 है तो यानी हम क्या करें, यहाँ 3t से लिख देते हैं, तो 3 प्लस का 3
टी लिख देते हैं। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो जैसे यहाँ पर थ्री टी की पावर थ्री आ जाएगा, और फिर ये थ्री जब मल्टीप्लाई होगा थ्री से तो थ्री की पावर तीन तीन नौ, आपको यहाँ पर नौ मिल जाएगा, और ये नौ मिलेगा आपको यहाँ लिखना होगा माइनस नौ, माइनस नौ टी हो जाएगा। और अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ भी अब प्लस और माइनस हो गया, तो यानी ये भी कैंसिल हो गया। अब बचता है आपके पास फोर टी की पावर टू माइनस ट्वेल्व। अब इस चीज़ को अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर टी की पावर टू तो है, तो टी की पावर टू यहाँ भी है, तो यानी यहाँ प्लस फोर नहीं है, तो प्लस फोर आप लिख दीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे तो फोर टी की पावर टू मिल जाएगा, यहाँ चार तियाँ बारह यानी ट्वेल्व आपको मिल जाएगा। और जैसे ही आप इनके साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये और ये कैंसिल हो गया और आपको शेषफल जीरो मिल गया। और हमने बताया है कि जैसे ही जीरो मिल जाए वैसे आप कह सकते हैं कि प्रथम जो बहुपद है वो द्वितीय बहुपद का गुणन खंड है, यानी अब यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि ये गुणन खंड है, ये चीज़ कहा जा सकता है क्योंकि शेषफल हमको क्या मिला है, जीरो मिल गया है। ये आपकी समझ में आ गया होगा, आप इसको नोटबुक में आसानी से उतार सकते हैं, यानी पहला पार्ट हमें मिल गया कि ये उसका गुणनखंड है। अब इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करके देखते हैं, और इसके लिए हम बता दें आपको कि क्या है, इसके लिए हम आपको बता दें कि यहाँ पर हमारे पास स्लाइड है, आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं, इसलिए हमने बना रखा, पहले आपको समझा दिए हैं, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा गुणनखंड इसका हो गया, यानी दूसरा है, इसको हमने मान लिया आर टी शेषफल, जैसे लिखना है आपको बोर्ड क्लासेस में भी लिखना होगा, उसके लिए प्रमेयता है। और यहाँ पर देखिए कंप्लीट भाग हमने दे रखा है जिसे आप अपनी नोटबुक में आसानी से उतार सकते हैं, बाकी साफ साफ हमने वहाँ भी लिखने की कोशिश की है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि ये हमें शेषफल यहाँ आपको जीरो मिला, इस वजह से हम यहाँ कह सकते हैं कि ये इसका गुणनखंड है। ये आप थोड़ी सी भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं आसानी से, तो ये चीज़ है। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को भी करके देखते हैं, आइए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट आपका, और सेकंड पार्ट में क्या है इसको देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपके पास है, सीधा हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए थ्री की पावर फोर है यहाँ पर, यहाँ पहले हम लिखेंगे एक्स की पावर हमारे पास क्या है टू है, ये पहला गुणनखंड, और प्लस जो है थ्री एक्स है दूसरा, और प्लस वन है। अब इसमें इसको भाग देना है, किसको भाग देना है, थ्री की पावर थ्री एक्स की पावर फोर प्लस फाइव एक्स। अब धीरे धीरे आराम से समझते चलिए, क्योंकि एक बार समझ लेंगे तो आपको बहुत आसान सा लगेगा, वैसे आपको लगेगा कि बहुत बड़ा सा सवाल है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं, आसानी से आप इसे उतार सकते हैं, और एक बार सिर्फ समझना है, फिर आपको आसानी से आसान हो जाएगा, सारी चीज़ें समझना आसान हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। आप देखिए यहाँ हमने लिख दिया, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो x की पावर 2 है, x की पावर 4 है यहाँ पर, तो सबसे पहले 3x की पावर हम क्या लिख दें, यहाँ हम लिखेंगे 3x की पावर 2 लिख देंगे, और जैसे लिखेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 3x की पावर 4 आ जाएगा, यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो यहाँ पर ये चीज़ आपको मिल जाएगी। आप इसी तरीके से 3x की पावर इस जब 3 से मल्टीप्लाई हो गए तो 9 हो जाएगा, और यहाँ 9 हो जाएगा, 9x की पावर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का ही मिलेगा आपको, देखिए यहाँ प्लस का ही मिलेगा और 9x की पावर 3 मिलेगा। फिर उसके बाद आप जब इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपको क्या मिलेगा, 3x सेम मिल जाएगा, यानी यहाँ पर प्लस 3x की पावर
टू मिल जाएगा। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा आसानी से जो सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ देखिए चिन्ह पलट जाएंगे, ये आपको माइनस का मिलेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी तीनों जगह पर माइनस हो जाएगा। तो ये चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी, यानी यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, ज़ीरो मिल जाएगा। इस जगह पर माइनस का आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर माइनस का फोर मिल जाएगा, एक्स की पावर थ्री। इस जगह पर माइनस थ्री है, माइनस सेवन है, आपको माइनस का टेन मिल जाएगा। अब बाकी आप उतार सकते हैं, आपको क्या मिला, प्लस टू एक्स मिला और प्लस का टू मिला, ये चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। अब फोर एक्स की पावर थ्री है, यहाँ पर आपके पास एक्स की पावर टू है, तो आप क्या करोगे, यहाँ यहाँ आपको एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यानी यहाँ पर फोर है, तो यानी आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, फोर एक्स आप यहाँ आसानी से लिख सकते हो। तो यहाँ फोर एक्स जैसे ही आप लिखोगे तो यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ आपको माइनस का फोर एक्स लिखना पड़ेगा, आप यहाँ माइनस का फोर एक्स लिखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा, देखिए आप यहाँ पर यहाँ माइनस फोर एक्स लिखिए, माइनस फोर एक्स लिखिए और तो यहाँ आपको मिलेगा माइनस का फोर एक्स की पावर थ्री। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, जैसे ही आप फोर एक्स को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेल्व हो जाएगा, आपको ट्वेल्व एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो माइनस का ही आपको यहाँ क्या मिलेगा, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर मिल जाएगा और माइनस का फोर एक्स मिल जाएगा। इस जगह पर आप फिर से वही एक प्रक्रिया जो हमें अपनानी है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ आसानी से आप यहाँ प्लस प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया, दोनों जगह प्लस हो गया। अब यहाँ सॉल्व हो गया, ये यहाँ घटाएंगे तो आपको प्लस का टू मिल जाएगा, यहाँ आपको क्या मिलेगा, आप आसानी से लिख सकते हैं टू एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, टू एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। टू एक्स मिलने के बाद आप यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ प्लस प्लस होगा तो प्लस का आपको क्या मिलेगा, सिक्स एक्स मिल जाएगा और यहाँ जो बचा है वो प्लस का टू मिला है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको देखिए टू चाहिए, यानी हम टू तो यहाँ होना ही चाहिए और प्लस का भी टू होना चाहिए जिससे हम गुणा करेंगे। तो यहाँ प्लस टू लिखेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है ही है, तो हम क्या करें, टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर सेम चीज़ आ जाएगी, देखिए टू एक्स स्क्वायर हो जाएगी, फिर तीन दूनी छः हो जाएगा, आप समझिए इसको, और यहाँ पर वन से करेंगे तो टू मिलेगा। और जैसे ही आप यहाँ पर क्या करेंगे कि चिन्ह को आप पलट देंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो आप देखेंगे शेष फल आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। यानी यहाँ भी आपको शेष फल जो मिला है वो क्या मिला है, शून्य मिल गया। अब शून्य मिल गया यानी जो पहला वाला गुणनखंड था वो गुणनखंड इसी का जो है, इसका पहला वाला जो बहुपद था वो दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड ही होगा। तो इस तरीके से हम आसानी से समझ सकते हैं और चीज़ों को लगा सकते हैं। देखिए इसकी भी हम आपको स्लाइड दिखा देते हैं, यहाँ पर सॉल्व किया है हमने और यहाँ आप आसानी से इसे देख सकते हैं। देखिए ये चीज़ है आपके पास से, यहाँ यहाँ आप इस चीज़ को समझ सकते हैं और इसको नोट डाउन यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए हमने जो भाग दिया है वहाँ पर वो पूरा प्रॉपर वे में यहाँ पर लिख रखा है, और यहाँ देखिए जो इनको मिलता है ये यहाँ पर इन्होंने यूक्लिड मेथड लिखने की ज़रूरत है। अगर आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, ना चाहो तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम इस चीज़ से भी चल जाएगा। लेकिन जब बोर्ड क्लासेस होती हैं तो वहाँ जितना बेहतर लिखा जा सके उतने ही ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं और आपका एक अलग पैटर्न शो करता है वहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं, आप यहाँ पर आसानी से इसको लिख और नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। अब चलते हैं इसके पार्ट थ्री पर। तो पार्ट जब थ्री पे चलेंगे तो देखिए पार्ट थ्री पे क्या मिलेगा हमें, पार्ट थ्री में हमारे पास क्या है, उस पार्ट थ्री को हम यहाँ सॉल्व करेंगे।
यहाँ पर हमारे पास मिलेगा x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1। आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ हमें मिलेगा x की पावर हमें मिला 2 माइनस 3x प्लस 1, और इसको हमें भाग देना है। किससे भाग देना है? किसको? x की पावर 5, x की पावर 5 माइनस 4x। हमें जो देना है वो 4x है, उसी को हम यहाँ पर भाग देंगे कि क्या चीज़ यहाँ पर हमें मिल रही है। 4x यहाँ मिला, ये x 4x की पावर हमारे पास क्या होगी? 3 हो जाएगी। यहाँ x की पावर हमें जो भी दी गई है वो 3 दी गई है। और उसके बाद है प्लस x, प्लस जो है वो प्लस x की प्लस x मिलेगा यहाँ पर हमें, प्लस x की पावर 2 है, प्लस 3 x है, प्लस 1 है। ये इस तरीके से हमें यहाँ सॉल्व करना है। अब इस पूरे के चक्र को सॉल्व करना है तो सबसे पहले x की पावर यहाँ 5 है, तो यहाँ x क्या लिख देंगे? x की पावर 3 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मिलेगा x की पावर 5 मिल जाएगा। जब 1 वाले से मिलेगा तो यहाँ माइनस का आपको 3x की पावर क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। और फिर उसके बाद आपको मिलेगा x प्लस एक्स की पावर 3 मिलेगा। फिर आप वही एक ही पैटर्न जो हम सॉल्व करते आए हैं उस पैटर्न में क्या होगा? यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा। तो ये सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। और सॉल्व करने के बाद अब देखिए, ये सीधा सीधा प्लस का 4x ये आपका नीचे आ जाएगा, 3x की पावर 4 यहाँ नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ माइनस 4 है, यहाँ प्लस का x की पावर 3 है, सबट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो सबट्रैक्ट होने के बाद आपको क्या मिलेगा? यहाँ माइनस माइनस क्या होगा? दोनों ऐड होके आपको मिलेंगे 5x की पावर 3 मिलेगा। ये चीज़ मिल गई। फिर इसके बाद आप जो चीज़ें बची हैं उनको आसानी से उतार सकते हैं। तो यहाँ आपको मिला x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, ये चीज़ आपको मिल गई। अब सेम चीज़ आपको क्या करना होगा, आप 3x स्क्वायर से यहाँ पर जो है लिखना होगा, और जिससे आप आसानी से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे घाते यहाँ बराबर मिल जाए। हमको पहला वाला टर्म जो होता है वो कैंसिल आउट करना होता है। तो 3x की पावर 4 मिला यहाँ पर। तो अब 3 9 मिलेगा, यहाँ पर माइनस का आपको क्या मिल जाएगा? 9x की पावर 3 मिल जाएगा। उसके बाद प्लस का आपको क्या मिल जाएगा? 3x स्क्वायर मिल जाएगा। ये चीज़ है, आप यहाँ आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, यानी प्लस का 4 मिल गया आपको, x की पावर 3 यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? माइनस का 2x स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर 2x स्क्वायर मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x, प्लस 3x प्लस 1 मिलेगा, प्लस 1 मिलेगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा आप यहाँ देख सकते हो, डिलीट, हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्लस का 4x ले सकते हैं। और जैसे ही 4x हम यहाँ पर लेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ 4x यहाँ मिलेगा, x की पावर 3 मिलेगा। फिर माइनस का यहाँ मिलेगा आपको 4 3 12, यानी
12x की पावर 2 मिलेगा और प्लस का 4x मिलेगा, ये चीज़ आपको मिलेगी। आप जैसे ही इसके चिन्ह जो हैं आप पलट दोगे, आसानी से आप चीज़ों को उपलब्ध हो जाएगा। तो ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपको देखो यहाँ पर क्या मिला, इस जगह पर हम लिखे दे रहे हैं, जगह है। तो जब घटाने के बाद आपको मिलेगा इस जगह पर, देखिए तो यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस का, आपको प्लस का मिलेगा 10। यानी यहाँ क्या मिला, प्लस का 10x स्क्वायर मिला, यहाँ 3 और 4 था तो माइनस का x मिला, माइनस x मिला और प्लस 1 आपके पास यहाँ था जो बचा शेष। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आप पहले वाले को कैंसिल आउट करने की कोशिश करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ यहाँ आप 10 से सॉल्व करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको 10x स्क्वायर, 10 यानी 30 मिल जाएगा यहाँ पर, यहाँ क्या मिलेगा 30x मिल जाएगा और प्लस 10 मिल जाएगा, 10 मिलेगा। अब आप यहाँ देखोगे आपको शेष मिल जाएगा 29, जिस चिन्ह पलट दोगे, चिन्ह पलटने के बाद 29x माइनस 9। अब यहाँ पर आपको दिख गया होगा कि यहाँ शेषफल 0 नहीं बचा, और शेषफल जब 0 नहीं बचा आपका तो क्या हो गया, इसका गुणनखंड पहला वाला बहुपद नहीं है। ये चीज़ अब आपकी समझ में आ गया होगा, इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आसानी से कि किस तरीके से आप सवाल को लगाते हैं। अब चलते हैं आपके सवाल की तरफ, जो सवाल है तीसरा। इसमें देखिए आपको दिया गया है कि 3x की पावर 4, 6x की पावर 3, 2x की पावर 2, माइनस 10x, माइनस 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ देखिए x की पावर आपको क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। यानी यहाँ जो शून्यांक होंगे वो क्या होंगे, वो 4 शून्यांक होंगे इनके, उसमें से 2 शून्यांक इन्होंने दे रखे हैं, मान लीजिए 5/3। आप समझिए पहले, दूसरा है माइनस रूट 5/3, तो एक को हम अल्फ़ा मान लेते हैं और दूसरे को बीटा मान लेते हैं, मान लेंगे। अब ये 4 शून्यांक होंगे तो इसमें से हम अल्फ़ा और बीटा निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, कैसे हम निकालेंगे। ये आपको समझ में आ गया कि हमको क्या करना है, 2 शून्यांक दिए गए हैं, दोनों को हमने 2 मान लिए हैं, तो 4 शून्यांक हमारे पास हो गए। यानी अब हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फ़ा और बीटा की। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने मान लिया था, तो इसको क्या करें, जो हम सॉल्व करते हैं गुणनखंड करते हैं उसकी हम सहायता से इसे सॉल्व करेंगे। जी देखिए यहाँ पर क्या है कि अल्फ़ा माइनस एक्स नहीं हम लिखेंगे, एक्स माइनस अल्फा, दूसरा एक्स माइनस बीटा, या और पहले वाले में क्या लिखेंगे, एक्स माइनस रूट के अंदर 5 डिवाइडेड बाई 3, और इसमें क्या होगा अगले वाले में, अगले वाले में होगा एक्स माइनस एक्स प्लस माइनस का था यहाँ 5/3 इक्वल टू, जो गुणनखंड हमें दिया था वो इसी के बराबर ही तो आएगा। इनको सबको अगर हम गुणा कर दें तो गुणनखंड है तो इनके बराबर ही होगा वो, तो बराबर होने का मतलब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर बराबर होने में जो हमें मिलेगा उस बराबर वाले में हम सीधा इसके इक्वल टू में आसानी से उसे हम लिख देंगे। और जैसे लिखेंगे तो देखिए अब इक्वल टू हमने वहाँ लगाया, यहाँ लिख सकते हैं 3x की पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x के पावर 2 माइनस 10x माइनस 5, ये हमारी पहला स्टेटमेंट हो गया। अब चलते हैं इसके सेकंड स्टेप के लिए। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। और जैसे ही हम देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए इसमें ए स्क्वायर प्लाई माइनस बी स्क्वायर का सूत्र आप लगा सकते हो, तो यहाँ मिल जाएगा आपको, यहाँ आप लिखोगे देखो एक्स माइनस अल्फ़ा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस बीटा, और यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर
माइनस 5/3 इक्वल टू आपको मिलेगा 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 10x प्लस 5। ये चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पर जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, तो आप देखिए जो पोर्शन हमने मल्टीप्लाई करके निकाला है इसको हम इक्वल टू के इस साइड में ले आते हैं, यानी राइट हैंड साइड में ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और ये दो चीज़ें आपकी इधर ही बच जाएंगी। अब हम लिखते हैं अगले पेज पे, ये हट जाएगा यहाँ से, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, आराम से वीडियो को रोक लीजिए और नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ जैसे ही हम इसको लिखेंगे अगले वाले पार्ट्स में, तो आपको क्या मिलेगा, हमने बताया आपको कि जैसे ही अब यहाँ पर लिखने की हम कोशिश करेंगे तो आपको इसके नीचे लिखना पड़ेगा, यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ हमारे पास क्या था, एक्स माइनस अल्फ़ा और दूसरा क्या था, एक्स माइनस बीटा इक्वल टू, यहाँ जो हमारे पास बहुपद था वो था 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 10x माइनस आपको क्या मिला, 5 मिला, डिवाइडेड बाई अभी आपने जो लिखा था, तो उसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अब देखिए जो आपका बन गया, यानी अब नीचे वाला जो लिखा है हर में जो लिखा हुआ है उसको हम अंश को हम हर से भाग दे देंगे। अब भाग देने का तरीका आपको पता है कि किस तरीके से हम भाग देते हैं, तो चलिए यहाँ तक आपने उतार लिया होगा, अब इसके बाद साइड में हम भाग दे लेते हैं। तो साइड में जब हम भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ जब हम भाग देने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ है 2 माइनस 5/3 और यहाँ 3x/4 प्लस 6x/3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ये चीज़ है आपके पास। अब यहाँ जैसे ही आप सॉल्व करना शुरू करोगे तो x की पावर आपको क्या मिलेगी, यहाँ 3x/2 लिखोगे आप, और जैसे 2 लिखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x/4 हो जाएगा, और 4 होने के बाद जब आप अगले मल्टीप्लाई करोगे तो 3 नीचे कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, तो यानी आप क्या लिख सकते हो, 5x/2 लिखोगे। अब इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है माइनस था पहले से, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये कैंसिल आउट हो गया, अब यहाँ क्या बचा आपके पास, बचा 6x/3 बचता है, और यहाँ बचेगा आपके पास सब्ट्रैक्ट होने के बाद 3x/2 बचेगा, अगले वाले स्टेप में बचेगा माइनस का 10x बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ प्लस 6 ले लीजिए, आप प्लस 6x लेंगे तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, 6x/3 होगा, और प्लस 6x मिलेगा, तो माइनस का आप यहाँ 6x और 6 2 कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10x मिल जाएगा, तो आपको यहाँ 10x मिल जाएगा, माइनस प्लस चिन्ह चेंज हो जाएगा, और जैसे ही आप चेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ तो सेम एज इट इज़ उतर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको 3x² मिलेगा आपको, देखिए 3x² मिल जाएगा आपको, और 3x² जो मिलेगा आप उसमें क्या कर सकते हो, 3x² मिला, और 3x² मिलने के बाद आप इसमें क्या कर सकते हो, दूसरे में यहाँ तो ये भी कैंसिल हो गया, आपको मिला माइनस का 5, अब माइनस का 5 पा गए। अब इसमें फिर से वही चीज़ आपको करनी होगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x² चाहिए नहीं, वहाँ पर कोई भी नंबर 3 से आप सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 3 ले लीजिए, 3x लेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 3x² मिल जाएगा, और यहाँ 3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी
आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो मिल जाएगा। यानी शेषफल हमें क्या मिल गया, ज़ीरो मिल गया। तो जो स्टेप हमने वहाँ पर लिखा था वो कैंसिल आउट होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। देखिए ये आप नोट कर लीजिए आसानी से, और उसके बाद हम देखते हैं, वीडियो को रोक लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। अब चलिए, आपने देखा था हमने जो अभी इसके पहले स्लाइड ली थी उसमें क्या था कि अल्फ़ा यहाँ जो हमारे पास था वहाँ था एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा, और इक्वल टू मैंने हमने जो चीज़ डिवाइड करके निकाला इसका भागफल, उस भागफल को लिखेंगे। तो हमने जो भागफल मिला 3x² प्लस का 6x और प्लस का 3 मिला। यहाँ देखिए, अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 3 को बाहर ले लीजिए, यहाँ मिलेगा x² प्लस 2x और प्लस 1। अब यहाँ आप इसके गुणनखंड कर सकते हैं, और जैसे ही आप इनके गुणनखंड अंदर करेंगे तो आपको वही गुणनखंड विधि अप्लाइए और यहाँ आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी a प्लस 1 का होल स्क्वायर भी मिल रहा था, यानी 3। आप यहाँ क्या कर सकते हो, x प्लस 1 का होल आप स्क्वायर लिख सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ मिल जाएगा आपको। तो यहाँ अब इसको आप टुकड़ों में भी लिख सकते हो, एक्स प्लस 1 और एक्स माइ प्लस 1 लिख सकते हो। अब यहाँ देखिए, एक हो गया आपका अल्फ़ा बराबर -1 और बीटा बराबर हो गया -1, यानी आपको दोनों शून्यांक आसानी से उपलब्ध हो गए। यानी ये जो दो शून्यांक नहीं थे वो दो शून्यांक हमने फाइंड आउट कर लिए, और दो शून्यांक आपको पहले से इस क्वेश्चन में दिए थे। तो ये था आज का वीडियो, और आपको अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक भेजिए, क्योंकि क्लासेस नहीं चल रही हैं स्कूल में, आप आसानी से घरों पर पढ़ सकते हैं, कोचिंग सेंटर्स भी कहीं नहीं चल सकते। मैं आपको पूरी ये टेक्स्ट बुक कराऊंगा, एक एक क्वेश्चंस, उसके बाद मॉडल पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, यानी पूरी तैयारी आपको मिलेगी बोर्ड क्लास 10th की यहाँ पर मेरे चैनल पर। इसके साथ ही आज बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।